तो चलिए हम देसी चिकन की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें नमक रखेंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच गरम तेल। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, आइए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 2 चम्मच दही लिया हुआ है। इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर रखेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच चिकन मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई सा है, इसमें हम थोड़ी सी गर्म पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 5 से 10 मिनट सेट होने रख देंगे। तब तक आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमने यहाँ एक कुकर चढ़ा लिया है, क्योंकि हम देसी चिकन बना रहे हैं इसलिए हम इसे कुकर में बनाएंगे, वो जल्दी नहीं पकता है। हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें जीरा और कुछ खड़े मसाले रखेंगे, 2 तेज पत्ते और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इसे थोड़ा चला लेंगे। आप भी अगर देसी चिकन बना रहे हैं तो उसे कुकर में ही बनाना प्रेफर कीजिएगा। अब हम इसमें प्याज रखेंगे, हमने यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं। प्याज को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे हम थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे ताकि इसका रॉ स्मेल चला जाए। एक से दो मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। इसे अब हम अच्छे से मिला के फ्राई कर लेंगे लगभग 5 से 7 मिनट। पांच से सात मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मसालों को रखेंगे। इसे हम फिर से 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे अच्छे से ताकि सारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। ये अब अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उसके अनुसार पानी डाल सकते हैं। इसमें अब हम 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे।
अब हम ढक्कन को बंद कर लेंगे और इसमें 6 से 7 सीटी मीडियम आंच पे लगवा देंगे। 6 से 7 सीटी लगवाने के बाद हमने गैस बंद कर दिया है, तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। देखिए अभी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। हमारा देसी चिकन कढ़ी बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी है खाने में, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।